अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। और आज का दिन जी हमने ज़्यादा सुकून किया, आराम किया, अभी उठे हैं क्योंकि मैं एक दो दिन से देख रहा था कि एक बड़ी जंग चल रही है दुनिया में, एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बात चलती हुई नज़र आई है। पहले हमेशा जो बात थी वो थी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उसी का खदशा या ख़तरा था, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह टल गई बात। लेकिन अब जो एक नई जंग की तैयारियां चल रही हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में, अब दुनिया पूरी दुनिया में, वो एक दो मूवीज हैं जी, बारबी और ओपनहाइमर, आपने सुना होगा। तो उन दो मूवीज की को काफी जंग चल रही है जी। तो हमने सोचा कि हम आज वो दोनों मूवीज देखने चलते हैं और उसका रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी मूवीज हैं। दोनों तो आज हम नहीं हम देख पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। तो आज हम ओपनहाइमर देखेंगे क्योंकि वो खुद ही 3 घंटे की मूवी है। तो कल फिर इंशाल्लाह हम बारबी भी देखेंगे और फिर दोनों को देखने के बाद आपको अच्छा सा रिव्यू देंगे। और मैं तो बारबी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप? नहीं नहीं, ओपनहाइमर में जो लीड रोल है वो सिलियन मर्फी, जो पीकी ब्लाइंडर्स का लीड रोल था, बड़ा बेहतरीन एक्टर है जी। और उसका जो सीजन था पीकी ब्लाइंडर्स, मेरा लाइक ऑल टाइम फेवरेट सीजन है। और उसकी ना उसकी स्टोरी भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, मतलब एक बहुत नॉर्मल स्टोरी है उस सीजन की, लेकिन उसमें जो इस बंदे की एक्टिंग है उसका बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो आई थिंक मुकाबला नहीं बनेगा। बारबी तो वो बच्चों वाले कार्टून ही है, वो तो आई थिंक हमें अपनी भांजी भांजियों को दिखाना चाहिए। वो हमारे वाला मूवी देखने से पहले हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने कहा कि पहले कुछ चल के खाया जाए। तो उसके लिए हम लोग जरा अभी मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं और अभी बस अपना ऑर्डर शॉर्डर किया है और अब फिर खाया जाए कुछ पहले, और फिर हम 8:30 बजे का हमारा शो है होटल वन में जी। तो हमारा खाना जो है वो कुछ आ चुका है। और आपने क्या ऑर्डर किया था? स्पाइसी मैक क्रिस्पी मील, यस। और मैंने मैक करीबिया। और अब हम अपना मील जो है वो इंजॉय करते हैं क्योंकि 8:10 हो चुके हैं और हमारी मूवी 8:30 है। तो फिर ये खा के उसके बाद आपसे मिलते हैं। About the only thing you and I have in common is a disdain for mathematics. Who's working on this in Berkeley? Sounds better. You'll get to the truth. And if the चुकी है। और मूवी एंड होने के बाद अहमद की शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कैसी थी। उठे जी, घर नहीं जाना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको देख के कि अब आपको नॉर्मल सलाइन की एक बोतल की ज़रूरत है? कौन हूँ? हाँ जी यार, तो अपना रिव्यू दे मूवी पे। जी मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान हैं और आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, या अगर जो मूवी की कास्ट है वो आप उसे पसंद करते हैं, तो फिर आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अदरवाइज इट वाज अ टॉर्चर। और 3 घंटे मेरे कैसे गुजरे हैं मैं जानती हूँ। मैंने 1 मिनट भी मूवी पर ध्यान नहीं दिया, मैं दे ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने दुनिया जहान के काम, मैसेजेस, रिप्लाइज, वो सब इस मूवी के दौरान कर लिया। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो। तो जी मूवी हम देखा है, और मूवी बेसिकली थी एक ज्यूइश साइंटिस्ट के ऊपर जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था और जो के बाद में हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, और इस वक्त मेरे पे गिरा और चल के सोया जाए क्योंकि मैं ख़त्म हो गया, आई एम डेड, डेड फिश। यस, अस्सलाम वालेकुम। तो खैर, कल हम लोग गए थे जी ओपनहाइमर मूवी देखने, और ऑब्वियसली मूवी की बहुत हाइप थी तो हमने देखने जाना ही था। सोचा था कि मूवी देखने के बाद फ़ौरन उसका रिव्यू करूंगा, लेकिन मूवी ख़त्म होते काफ़ी लेट हो गया, तो बस फिर मैं उस पर नहीं कर सका रिव्यू। तो सोचा आज उठ के उस पर क्लिप बना लिया जाए। तो मूवी इन जनरल, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ कि मूवी कैसी थी और कैसा सारा रहा, ऑल दैट। मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, आप लोग भी जानते हैं। मूवी की जो कास्ट है वो बहुत अच्छी है, बहुत आला कास्ट है, और मूवी की जो डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी वाला पार्ट है वो टू गुड, मतलब रियली गुड।
लेकिन इन जनरल ओवरऑल अगर कहें तो मैंने पर्सनली तो खैर मूवी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, और उसकी कुछ बहुत जेन्युइन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूवी की लेंथ बहुत ज्यादा थी, 3 घंटे की मूवी थी तो बस हो गई थी। दूसरा यह था कि मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी शायद डिफरेंट थी, मेरा यह था कि शायद मूवी जो है वो बेस्ड है अ बिट ऑन हिरोशिमा और नागासाकी और किस तरह से वो सारा होता है, और फिर इवन उसको दिखाएंगे भी मे बी उस सीन को। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप बिल्कुल गलत माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। मूवी टोटली बेस्ड थी एक डॉक्टर के ऊपर जिनका नाम था डॉक्टर ओपेनहाइमर, जिन्हें कि हम कहते हैं द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ही वाज बेसिकली द डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट यूएस ने लॉन्च किया था टू क्रिएट द न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें कि उनका फिर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, जिसमें हमारे डॉक्टर कदीर साहब थे जी पाकिस्तान के, तो उनके वो थे ओपेनहाइमर साहब थे। तो खैर दोनों की स्टोरी मुझे बड़ी सिमिलर लगी, जो इंसिडेंसेस डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ हुए थे काफी हद तक उसी तरह की लाइफ ओपेनहाइमर की भी हो रही थी। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, इस पर फिर कभी बैठेंगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन इन जनरल ये था कि उनकी जो डॉक्टर ओपेनहाइमर की लाइफ थी और किस तरह से वो फिर उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ एंगेज होते हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट किस तरह से फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है, और फिर किस तरीके से वो हिरोशिमा और नागासाकी का जब इंसिडेंस हो जाता है तो उसके बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली मूवी इस चीज़ पर थी, और रिकमेंड मैं तो नहीं करूंगा किसी को भी, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक सबको सब जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी हाइप और इसकी मार्केटिंग माशाल्लाह स्ट्रेटेजी जो उन्होंने रखी है, उन्होंने बहुत तगड़ी मार्केटिंग की है। लेकिन इट वाज नो फन एट ऑल। और खैर लेकिन आपके लिए हम आज बारबी भी देखने जाएंगे। पर्सनली मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक जरा गर्लिश मूवी है, लेकिन एक तो वाइफ का बहुत मूड है, और दूसरा चूंकि आपके लिए हमने रिव्यू करना है तो आपकी खातिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। अल्लाह हाफिज़।